कर्माबाई की कथा। कर्माबाई की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से संत उनसे मिलने के लिए आते थे। ऐसे ही एक रोज एक महापुरुष आए और कहने लगे कि कर्माबाई, हर रोज भगवान तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आते हैं, तुम कैसे भगवान के लिए भोजन तैयार करती हो? कर्माबाई ने अपने सीधे स्वभाव के अनुसार कहा कि मैं प्रभु का स्मरण करते करते ही भोजन बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ। जिस समय भोजन तैयार हो जाता है, परोस कर रख देती हूँ, भगवान आकर भोजन कर जाते हैं। महापुरुष कर्माबाई से कहने लगे कि तुम्हें भोजन करने से पहले स्नान करना चाहिए। जिन लकड़ियों के साथ आग जलाती हो उनको धोकर सुखा कर और लेप करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए। ये बात सुनकर कर्मा चिंतित हो गए कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कर्माबाई ने दूसरे दिन लकड़ियों को धोकर रख दिया, स्नान किया, चौकी की सफाई की और भोजन तैयार करने लगी। भगवान हर रोज की तरह नियत समय पर आए और देखा कि कर्मा ने भोजन अभी तैयार नहीं किया था, वे वापस चले गए। कुछ देर बाद कर्मा ने भोजन तैयार कर दिया और परोस दिया। भगवान आए और भोजन करने लगे। उनके हाथ और मुंह पर अभी खिचड़ी लगी हुई थी कि उसी समय स्वामी रामानंद के दरबार में भी भोजन तैयार करके भोग लगाने के लिए रख दिया गया और रामानंद ने भगवान को बुला दिया। अक्सर ऐसा होता है कि भोजन तैयार कर कपड़े से ढक दिया जाता है और भगवान का आह्वान किया जाता है। जब भगवान जल्दी में आए तो रामानंद ने देखा कि भगवान के हाथ और मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। रामानंद ने पूछा कि प्रभु, आप ये खिचड़ी कहाँ से खाकर आए हैं और आप आज इस रूप में कैसे आ गए? भगवान ने कहा कि मैं रोज कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। आज किसी महापुरुष ने उसे बहका दिया, जिस कारण उसने देर से खिचड़ी बनाई। उसने अभी हाथ धुलाए भी नहीं थे कि आपने याद कर लिया। मुझे उसी तरह उठकर आना पड़ा, हाथ मुंह धोने का समय नहीं मिला। यह सुनकर स्वामी रामानंद दंग रह गए कि कर्माबाई के घर हर रोज भगवान खिचड़ी खाने जाते हैं। स्वामी रामानंद कर्माबाई के घर गए और कहा, आप हर रोज भगवान के लिए भोजन तैयार करती हैं और भगवान हर रोज खिचड़ी खाने आपके घर आते हैं, आपने ऐसी क्या साधना की है जिसके कारण भगवान आप पर इतने दयालु हैं? कर्माबाई ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई साधना नहीं की। गुरु रविदास की बताई हुई मर्यादा के अनुसार भगवान का स्मरण करती हूँ और भगवान के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ।